और इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध में रूस ने अब तक की अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ उतार दी है। रूसी सेना ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें दागी हैं। इवानो में यूक्रेनी ठिकानों पर इस मिसाइल से हमला किया है। हमले में यूक्रेन के अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो के तबाह होने की खबर आ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि आवाज की गति से भी 10 गुना तेज रफ्तार से चलती है और बेहद मारक होती है, इसे पकड़ पाना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं होता। यूक्रेन के पास इसकी कोई काट नहीं है और किंजल मिसाइल से अब हमला किया है रूस ने। जो हथियार के ठिकाने हैं यूक्रेन के, उन्हें निशाना बनाया है किंजल मिसाइल से। सबसे खतरनाक हथियार इवानो शहर में मिसाइल डिपो पर इस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का पूरा सैन्य अड्डा तबाह हो गया है। बड़ी संख्या में यूक्रेनी मिसाइलें जहां पर थी वहां पर किंजल का प्रहार किया है और रूस का दावा है कि उसने बड़े पैमाने पर यूक्रेन की मिसाइलों को बर्बाद कर दिया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लड़ाई का 24वां दिन और क्या कुछ घट रहा है। पुतिन का युद्ध संदेश, वहीं जेलेंस्की ने रूस को धमकी दी है। वहीं यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी, कीव पर कब्जे की तैयारी के लिए रूस बड़ा अटैक कर रहा है। निकोलेव शहर पर रूस की बमबारी हुई है। उधर बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत भी हुई है। मारियोपोल में रूसी टैंकों पर हमला किया है यूक्रेन की ओर से उसके सैनिकों ने। दरअसल मारियोपोल में बेहद घातक लड़ाई चल रही है। यहां अजोव बटालियन की का मुख्यालय बताया जाता है और इसलिए यहां पर जबरदस्त घमासान चल रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मारियोपोल और खरकीव की। कई इमारतें तबाह हो गई हैं। रिहायशी इलाके पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। बर्बादी के निशान छोड़ गई है पिछले 24 दिनों की ये लड़ाई। 24 दिनों की लड़ाई में आबाद शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार जंग लड़ी जा रही है, लेकिन रूस का प्रहार इन शहरों पर भारी पड़ा है। मारियोपोल में जहां पर अजोव बटालियन का मुख्यालय है यहां पर लड़ाई घमासान है। वहीं कीव और मारियोपोल की दो तस्वीरें, राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लगातार जारी है। मारियोपोल आज किसी भुतहा खंडहर की तरह नजर आता है। इमारतें दिखती तो हैं लेकिन पूरी तरह से बर्बाद, उस पर बारूद के निशान दिखते हैं, आग के निशान दिखते हैं, जगह जगह मलबा फैला हुआ है, धुएं का गुबार उठ रहा है। ये तस्वीरें आधुनिक युग के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की नजर आती हैं, जब यूरोप के अधिकतर शहर इसी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो गए थे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।